इंदौर इच्छापुर हाईवे पर वाहनों की तेज़ गति बार बार दुर्घटनाओं का सबब बन रही है। इस बार खंडवा से करीब दोपहर 3 बजे निकली गुरुकृपा बस रोशिया के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें बैठे करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए हैं। वहीं जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति की जान चली गई है। घटना का कारण वाहन की तेज एवं अनियंत्रित गति बताया जा रहा है। खंडवा से इंदौर हाईवे पर 4 लेन का काम चल रहा है, इसके चलते रोड की हालत पहले से ही खराब है। वहीं इस रोड पर भारी ट्रैफिक एवं तेज़ गति होने के चलते आए दिन इस तरह की घटनाएं होती है, जिससे अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं। यात्रियों के अनुसार गुरुकृपा बस की रफ्तार बेहद तेज़ थी। यात्रियों द्वारा कंडक्टर एवं ड्राइवर को बार बार समझाया जा रहा था, उसके बाद भी उन्होंने अपनी गति पर लगाम नहीं लगाई और रोशिया के पास ये दुर्घटना हो गई। दुर्घटना में घायल यात्रियों को खंडवा जिला अस्पताल इलाज के लिए लाया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। मेरा नाम अरुणा शर्मा। क्या हुआ था? बस अचानक ऐसे धीरे धीरे पलट रही थी, ऐसे गिर रही थी, सोचे कि खाई में गिरी, क्या हो रहा। और भैया थोड़ा बस धीरे चला भैया, क्या मालूम कैसे गिर, तो मालूम ही नहीं पड़ा भैया कब गिर गए और कब बाहर निकल गए, कुछ समझ में नहीं आया। बाहर निकल, एक बच्चा मेरे पास तो था, जैसे थे तो वो बच्चे को मैं पकड़ के बाहर निकाली, तो मैंने मेरे पास के बच्चे को संभालो के भाई, छोटा सा बच्चा था। आप कहाँ जा रहे थे, कहाँ से बैठे थे? मैं भुसावल से आई, खंडवा उतरी, खंडवा से इंदौर जा रही थी। बस क्या तेज चला रहा था? बस कैसे चला रहा था, तेज थी? अरे बहुत तेज चला रहा था, और वो बस कंडक्टर तो भरते ही जा रहा, उसको बोल भी रहे कि भैया बैग हमारा। कितने लोग होंगे यात्री? 2-3 लोग मर गए शायद, क्या मैं तो देखी नहीं भैया होगा। बस लगा रहा था वो, आपने बोला भी नहीं। अब तो बोल रहे उसको थोड़ा धीरे चला, और कैसे होंगे क्या मालूम, ज्यादा तेज भी नहीं थी, इतनी भी तेज नहीं थी, अब क्या पता कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। हर्ष उपाध्याय, न्यूज़ फर्स्ट, खंडवा।